हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जीके 2020 चैनल की ओर से एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ और यह वीडियो है उत्तर प्रदेश हाईलाइट से जुड़ा हुआ। जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक कौन कौन सी बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आई है, ऐसे ही लगभग 50 से 55 मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाओं को आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो एक बार देख लीजिए। आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्य सड़क परिवहन निगम ने दामिनी हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दामिनी हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया और यहां पर पढ़ सकते हैं महिला यात्रियों के लिए समर्पित यह हेल्पलाइन नंबर है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दामिनी हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है और निर्भय योजना के विस्तार के रूप में हेल्पलाइन के लिए एक यूनिक संख्या 811-4257 को जारी किया गया। तो दोस्तों इसी तरह मैंने 50 से 55 बड़ी घटनाओं को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश का यह वीडियो कवर कर लिया है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखे। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश नागरिक संशोधन कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय युवा उत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? दोस्तों किया गया, यहां जाएगा लिखा है लेकिन अब आपको समझना है किया गया। तो राष्ट्रीय युवा उत्सव का 23वां संस्करण वो भी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। नेशनल यूथ फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक यह आयोजित किया गया था और उत्तर प्रदेश के इस युवा संस्करण से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा उत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? 12 से 16 जनवरी 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किसने किया? युवा मामले व खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर इसका आयोजन किया। और इस साल के राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया, इस साल के यह राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम। और राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? 1995 से। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इसमें दोस्तों महिला अपराध के मामले में शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य। और यहां हम बात करते हैं NCRB की, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। और NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। और वर्तमान निदेशक कौन है? NCRB के रामफल पवार, एक IPS अफसर है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहां खोला जाएगा? देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेरठ। और इस एनिमल वार मेमोरियल की बात करूं तो मेरठ में देश का ऐसा पहला वार मेमोरियल बनेगा जिसमें देश के लिए शहीद हुए जानवरों के नाम दर्ज होंगे। और यह स्मारक उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंट्रल एंड कॉलेज में तैयार होगा और यहां 300 डॉग्स, उनके 350 हैंडलर्स, कुछ घोड़ों और खच्चरों के नाम लिखे जाएंगे इस वार मेमोरियल में, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किस दो स्थानों के बीच उड़ान योजना के तहत 250वां मार्ग शुरू हुआ? दोस्तों उड़ान योजना के तहत हमारा क्षेत्रीय जो आवागाही है वो दोस्तों बढ़ गई है हवाई क्षेत्र के मामले में और यह 250वां मार्ग शुरू हुआ है भुवनेश्वर और वाराणसी के बीच, यानी कि ओडिशा के भुवनेश्वर
और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को लेकर यह 250वां मार्ग शुरू हुआ उड़ान योजना। और उड़ान का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और उड़ान योजना को 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को शिमला में हुई थी। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी 2020 कहां शुरू हुई? दोस्तों, द्विवर्षीय रक्षा प्रदर्शनी 2020 हाल ही में शुरू हुई लखनऊ में। और यह रक्षा प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? आयुध निर्माणी बोर्ड के द्वारा। कहां पर? लखनऊ में। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर लखनऊ था। और द्विवर्षीय रक्षा प्रदर्शनी 2020 की हाईलाइट में आपको बताऊं तो 40 देशों के रक्षा मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। 8 और 9 फरवरी को आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया था। रक्षा सचिव कौन है? डॉक्टर अजय कुमार भल्ला। और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। तो यह सारे क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश, इनके शहर और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए दोस्तों अभ्यारण के मामले में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है, इन सारे क्वेश्चन के उत्तर तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह कौन सी बड़ी घटना है वो आपको याद रखना है। हाल ही में रोजगार के 72 अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंटर्नशिप योजना की घोषणा किसने की? इंटर्नशिप योजना की घोषणा भी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने की। और इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य क्या है? 10वीं 12वीं और स्नातक कक्षाओं के छात्रों को रोजगार के 72 अवसर उपलब्ध कराना इंटर्नशिप योजना का प्रमुख उद्देश्य। 10वां क्वेश्चन, 350 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ में फॉरेंसिक एंड पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाएगा? दोस्तों 15 एकड़ में फॉरेंसिक एंड पुलिस विश्वविद्यालय बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक एंड पुलिस विश्वविद्यालय कहां बनेगा? लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र में। और इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार करना। और एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस 2 वर्ष और 4 सेमेस्टर का पूर्णकालिक एक पाठ्यक्रम होगा जो इस फॉरेंसिक एंड पुलिस विश्वविद्यालय में आप कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल पहल कहां शुरू की? फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था उत्तर प्रदेश। और यह वी थिंक डिजिटल पहल शुरू किसने की? फेसबुक ने। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई। फेसबुक के स्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के पुलिस ने ऑपरेशन नाकेल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस, और पुलिस है गाजियाबाद की। गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नाकेल लॉन्च किया, और यह गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन नाकेल लॉन्च किया है और जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान सत्यापित की जाएगी और उन्हें 4 अंकों का एक यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा इस ऑपरेशन नाकेल के तहत। 13वां क्वेश्चन, पहली महाकाल एक्सप्रेस को कहां से रवाना किया गया? पहली महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी। और महाकाल एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको बता दूं तो यह ट्रेन इंदौर के निकट ओमकारेश्वर मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर तथा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को कनेक्ट करेगी। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? IRCTC के द्वारा। और इस ट्रेन में हल्का भक्ति संगीत चलाया जाएगा। प्रत्येक कोच में 2 गार्ड होंगे। इस ट्रेन में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। और यह ट्रेन वाराणसी और इंदौर के बीच सप्ताह में 3-3 दिन तक चलेगी। 14वां क्वेश्चन, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने के भंडार की खोज की है? दोस्तों भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने के भंडार की खोज की थी, लेकिन यह बहुत सोना मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा खेरिया एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? यह खेरिया एयरपोर्ट वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह खेरिया एयरपोर्ट सुर्खियों में क्यों रहा था? तो दोस्तों खेरिया एयरपोर्ट से वहां से जो पर्यटन स्थल है वहां से आप जल्दी पहुंच सकते हैं। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाम थोड़ा बड़ा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और हाल ही में इस विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है, इसलिए सुर्खियों में रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय करेगी, और इसीलिए यह विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रही। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बरसाना होलिका रंगोत्सव कहां शुरू हो गया? बरसाना होलिका रंगोत्सव शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर भी था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन के रंगोत्सव का शुभारंभ किया, और रंगोत्सव के हर दिन होली का एक खास रंग नजर आएगा, जिसमें प्रसिद्ध लड्डू होली, लठमार होली, छड़ी होली और फूलों की होली भी शामिल है। 18वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी? दोस्तों इसी तरह की योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने चलाई थी कि आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार देगी, और आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना को भी शुरू किया था। ओके, 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित करेगा? दोस्तों कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित करेगा आईआईटी कानपुर, जो भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और पोर्टेबल वेंटिलेटर की बात करें तो बाजार में उपलब्ध वेंटिलेटर की तुलना में काफी सस्ता होगा। ये वेंटिलेटर COVID-19 मरीजों के लिए, विशेषकर वृद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भी है। ओके, 20वां क्वेश्चन, COVID-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों COVID-19 की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। और यह पूल टेस्टिंग क्या होता है? तो पूल टेस्टिंग में यदि COVID-19 टेस्ट के 10 नमूने नकारात्मक यानी कि नेगेटिव आते हैं तो यह एक संकेतक के रूप में काम करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि प्रत्येक का टेस्टर नेगेटिव ही होगा। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने उत्तर प्रदेश को COVID-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति भी दे दी है। 21वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य देश में सबसे ज्यादा किसानों और दूध देने वाला पशुओं का पालक राज्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा किसानों और दूध देने वाला पशुओं का पालक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों और दूध देने वाले पशुओं का पालक राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। और भारत में हर दिन करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, और भारत में दूध उत्पादन दुनिया का लगभग 20% होता है। कितना? 20% उत्पादन अकेले भारत देश में होता है। 23वां क्वेश्चन, हाल ही में आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश ने किया है। और आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को किसने विकसित किया है? आयुष मंत्रालय ने। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से यह बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारी रसोई में मौजूद वस्तुएं जैसे दालचीनी, तुलसी और लौंग आदि सामग्री का उपयोग COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए, शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, जिसे हाल ही में आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च की उत्तर प्रदेश ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है? प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की, और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए
प्रवासी राहत मित्र नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया और इस ऐप को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहां इमेज जो रखी गई है वो गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों रहा था? क्योंकि हाल ही में दोस्तों यह उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सी महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया है, तो बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन इस योजना के तहत दिया जाता है। योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी और कहां से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। 26वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश ने सीडबी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था सीडबी। सीडबी का पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड को सीडबी के द्वारा प्रतिबिंबित किया जाएगा। और बात करते हैं सीडबी की, तो सीडबी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। सीडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई और अगस्त 2017 से मोहम्मद मुस्तफा सीडबी के अध्यक्ष, सह प्रबंधक एवं निदेशक भी है। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी कि जड़ी बुट्टी वाले सड़कों के रूप में करेगी? दोस्तों 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी कि जड़ी बुट्टी वाली सड़कों के रूप में करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी कि जो हाईवे है इनके दोनों तरफ ऐसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। और यह घोषणा उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के लोक निर्माण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है। इन हर्बल सड़कों के किनारे पीपल, नीम, सहजन जैसे आयुर्वेद में वर्णित वृक्षों के साथ ही ब्राह्मी, अश्वगंधा और जोतरफो जैसा जैविक पौधे लगाए जाएंगे। कैसे? जोतरफो जैसा। 28वां क्वेश्चन, बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना किसने शुरू की है? बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 29वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य कौन बन गया? दोस्तों महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सबसे अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन गया। और उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया। और जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा में राज्य की 57,000 ग्रामीण पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है, यानी कि सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए उत्तर प्रदेश में। 30वां क्वेश्चन, हाल ही में तीनों रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 2 गुनी वृद्धि किसने की है? दोस्तों इसी तरह का कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 2 गुनी वृद्धि की है। और नए नियम के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश से कोई भी सैनिक शहीद होता है तो राज्य सरकार उनके परिजनों को 50 लाख रुपये प्रदान करेगी, जो पहले 25 लाख रुपये था। 31वां क्वेश्चन, तो दोस्तों यहां 31वें क्वेश्चन को लेकर मैं दूसरा पार्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो की लेंथ ज्यादा बढ़ सकती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश से जुड़े और 31 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। चलिए अगले पार्ट को आप देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।